लॉकडाउन के 76 दिन बाद 8 जून को शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए। सभी जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुलने के बाद भी यहां पर बहुत ही कम कस्टमर पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर में भी कमी देखी गई, जिसकी वजह से होटल व्यापारी काफ़ी निराश दिखाई दिए। गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों की तरफ से सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था है। क्रॉकरी भी यूज एंड थ्रो ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों के बैठने के लिए दूर दूर टेबल लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त है, तो ऐसे में होटल या रेस्टोरेंट में जाकर कोई डिनर कैसे करें? आमतौर पर किसी भी रेस्टोरेंट या होटल को बंद करने में 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। ऐसे में 9 बजे तक इन्हें बंद करने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। आमतौर पर लोग डिनर करने के लिए 7 या 8 बजे के बाद ही जाते हैं और इस समय रेस्टोरेंट और होटल बंद हो रहे होते हैं, जिससे ना सिर्फ होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक या ढाबा मालिक को परेशानी होती है, बल्कि आम जनता की भी परेशानी इसकी वजह से बढ़ जाती है। हालांकि कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर घर पर ही खाना मंगा लेते हैं, लेकिन जिन जगहों पर खाने की डिलीवरी नहीं हो सकती या जो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते, उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। तो सुबह 7 बजे खोल लेते हैं और बीच में 3-2-3 घंटे साफ सफाई में लग जाते हैं, फिर शाम को फिर ऐसे ही होता है, 9 बजे बाद 2-3 घंटे बीच का टाइम जो है उसमें 4-5 घंटे मिलते हैं। 4-5 घंटे में 3 महीने में लॉकडाउन रहा, बंद रहा, उसमें भुखमरी खाकर पहुँच गया। अब जो है 4-5 घंटे जो है कोई ग्राहक आवे ठीक है, नहीं तो बस ठलिए फिर। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पे भी इसका असर दिख रहा है। इन मॉल्स में 50% दुकानें बंद हैं। शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कम लोग मॉल्स में पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां भी गाइडलाइन की सभी शर्तें पूरी की जा रही हैं। बावजूद इसके कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोग ऐसी जगहों पर कम ही निकल रहे हैं। देखा जाए तो कोरोना वायरस ने बड़े से बड़े कारोबारी की कमर तोड़ कर रख दी है। शॉपिंग मॉल्स हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर दूसरे व्यापार, सब पर इसका प्रभाव खासा देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को आर्थिक तंगी का डर सता रहा है कि कैसे इस परेशानी से निकला जाए। GDP गिरती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि अब लोगों को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, तभी देश का विकास हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।